स्पेस में हम इस धरती तक सीमित नहीं है, हम वो पहली संस्कृति हैं जिसने तारों की भाषा दुनिया को सिखाई, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने आकाश से गंगा निकाली और जिसने सागर पर सेतु बनाया। मैं तो यह भी पूछना चाहता हूं मेरे भाई, जिन लोगों को लगता हो कि यह कल्पना है, वैसे तो वो आपके अज्ञान के कारण कल्पना लगती, जैसे बहुत सी चीजें विज्ञान की आज से 100-150 साल पहले कल्पना लगती थी, पर उनसे पूछ लो कि भाई ऐसी कल्पना भी तुम क्यों नहीं कर पाए, उसके लिए भी तो इतनी विराट दृष्टि चाहिए कि आप आकाश गंगा तक सोच सकें। तो इससे आप समझिए कि स्पेस में हमारा विस्तार कहां तक था। अब टाइम पे आइए, अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने अपना नववर्ष मनाया, तो अभी क्या चल रहा है, ईस्वी संवत 2021, तो किसी का 2021 चल रहा है, किसी का 1400 से चल रहा है, हमारा वैसे टेक्निकली ही सबसे पुराना है 2071, उससे पहले 5100 से अधिक युधिष्ठिर संवत, और हमारा सबसे पुराना संवत क्या है, ब्रह्म संवत, जो 1,97,40,28,000 कुछ सौ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, वहां तक 1.97 बिलियन ईयर्स, बाकी दुनिया में कोई भी सभ्यता 1,000 से ऊपर नहीं जा पाई। किसी संस्कृति में कहा गया 14,000 साल पहले दुनिया बनी, किसी ने कहा 7,000 साल पहले दुनिया बनी, किसी ने कहा 30,000 साल पहले दुनिया बनी, कोई 1,00,000 तक भी नहीं पहुंचा, और हम 1.97 बिलियन तक पहुंचे। और इसकी प्रामाणिकता क्या है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसका प्रमाण देता है दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन। और ये कार्ल सेगन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। आप में से जो लोग विज्ञान में रुचि रखते होंगे उनको पता होगा कि फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट विच हैज गॉन बियॉन्ड सोलर सिस्टम, सौर मंडल के परे जाने वाला पहला मानव निर्मित उपग्रह वॉयजर है, जो 1978 में छोड़ा गया था। उस वॉयजर में एक संदेश अंकित किया गया, उसमें चित्र भी बने हैं, भाषाएं भी लिखी हैं, तरह तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। उस संदेश को जिस कॉस्मोलॉजिस्ट ने बनाया उसका नाम है कार्ल सेगन। तो आप समझिए वो कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति था। और कार्ल सेगन लिखा है, ओनली दी एंशियंट कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशंस ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशंस बिकॉज दे वेंट टू द बिलियंस। और आज हम मानते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर है अर्थ की आयु, 1.97 बिलियन हमारे यहां मानी गई। कार्ल सेगन कहता है, अदर्स वर नॉट एबल टू इवन रीच 100,000 एंड हिंदूज हैव कैलकुलेटेड अप टू बिलियंस। तो अब ये एक वैज्ञानिक कह रहा है कि हमारा टाइम में कितना लंबा व्याप है और स्पेस में कितना लंबा व्याप है। तो आपको यह समझना चाहिए कि जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं वो कितना गहरा और गंभीर है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।